अस्सलाम वालेकुम, थर्ड ईयर क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हमारा नेक्स्ट प्रूफ जो है वो ये है, दैट इज़ ऑड ऑर्डर मोमेंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं और इवन ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो उनका कोई ना कोई एक्सप्रेशन होता है, तो हम यही आज प्रूफ करेंगे। तो बाई डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ कि म्यू टू एन प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू, और पावर भी क्या होती है जो म्यू की सब्सक्रिप्शन में होता है वही पावर में होता है, दैट इज़ टू एन प्लस वन। टू एन प्लस वन क्यों लिखा हुआ है बेटे? आप वन पुट करेंगे तो ज़ीरो पुट करके देख लें तो ये वन आएगा, आप यहाँ पे टू पुट करें एन की जगह पे, मैं कह रही हूँ टू एन प्लस वन में एन की जगह पे मैं कह रही हूँ, आप ज़ीरो वन टू थ्री पुट करके देखें, ये ऑड मोमेंट्स ही ये जनरेट होंगे। म्यू वन आएगा, फिर म्यू थ्री आएगा, फिर म्यू फाइव आएगा, म्यू सेवन आएगा, इस तरह, ठीक है ना। तो ये इसलिए टू एन प्लस वन लिखा है, तो जो म्यू के नीचे होता है वही जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर में होएगा, दैट इज़ टू एन प्लस वन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसी के साथ हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेट होगा, तो हम अपना फंक्शन लिखेंगे इसके साथ एक्स माइनस म्यू इंटू पावर है टू एन प्लस वन और वन बाय टू पाई अंडर रूट सिग्मा ई की पावर माइनस वन बाय टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल का स्केयर डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे और अंदर हमारे पास एक्स माइनस म्यू के ऊपर क्या है टू एन प्लस वन, और आगे वही फंक्शन है, वही सब्सक्रिप्शन है, वही सब्सटीट्यूशन है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा हम जेड के बराबर रख रहे हैं, एक्स माइनस म्यू सिग्मा जेड है और डी एक्स क्या है वो सिग्मा डी जेड है। हम सब्सटीट्यूशन क्या होगी, हमारी लिमिट सेम रहेंगी वन बाय टू पाई अंडर रूट सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक्स माइनस म्यू की जगह पे हम सिग्मा जेड लिख रहे हैं, तो इसकी पावर हो जाएगी टू एन प्लस वन, ई की पावर क्या हो जाएगी माइनस जेड स्क्वायर बाय टू सिग्मा डी जेड, सिग्मा सिग्मा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि सिग्मा जेड में जो सिग्मा है वो हमारा कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो सिग्मा की पावर क्योंकि टू एन प्लस वन थी तो जेड की पावर भी टू एन प्लस वन थी, तो हमने जेड को अंदर रहने दिया, सिग्मा को बाहर निकाल दिया। तो अब मैं क्या कह रही हूँ, देखें मैं कह रही हूँ कि ये एक ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन कैसे हैं बेटा, ये देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया टू एन प्लस वन पावर क्या है, वो एक ऑड पावर्स को जनरेट कर रही है, ऐसे ही है ना, वन आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा। तो बेटा जब हम जेड जो है वो माइनस जेड पुट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी चीज़, वो सेम नहीं रहेगी, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। मैंने नोट में नीचे लिख दिया है ये सारा कुछ जो भी बता रही हूँ कि टू एन प्लस वन क्या जनरेट कर रहा है, वो जेड वन को जनरेट कर रहा है, जेड थ्री को, जेड फाइव को, ठीक है। तो जब हम जेड माइनस जेड करेंगे तो ये नेगेटिव साइन को अपने साथ रखेगा, तो इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू टू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। जब म्यू टू एन प्लस वन ज़ीरो होता है तो इसका मतलब क्या है कि सारे ऑड मोमेंट्स क्या हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, जैसे म्यू वन म्यू थ्री म्यू म्यू टू को लिखा हुआ है मैंने, ये बेटा ये मैंने म्यू टू को नहीं है, ये म्यू वन है, म्यू थ्री है, म्यू फाइव है, म्यू टू नहीं है, आप काइंडली इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये इक्वल टू ज़ीरो जो है, ये जो है वो ज़ीरो के बराबर हो गया, ठीक है जी। ये हमारे हैं ऑड ऑर्डर मोमेंट्स। अब हमारे पास है इवन ऑर्डर मोमेंट्स क्या हैं, बाय डेफिनेशन जो है वो क्या है कि म्यू टू एन जो है, मैंने अब देखें म्यू टू एन लिखा है, टू एन प्लस वन नहीं लिखा, तो टू एन क्या है कि टू एन पावर में आ जाएगा, ये इवन ऑर्डर्स को जनरेट करेगा। आप देख लें एन आप ज़ीरो लिख के देखें, फिर वन लिख के देखें टू आएगा, टू लिख के देखें फोर आएगा, थ्री लिख के देखें सिक्स आएगा, ठीक है ना, यानी कि ये क्या कर रहा है, इवन ऑर्डर मोमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो ये साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया और वही सब्सटीट्यूशन की, अब सिग्मा जेड के ऊपर क्या आ जाएगा, टू एन आ जाएगा, और आपके पास ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय टू डी जेड हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, तो हम अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन जो लिमिट्स हैं वो ज़ीरो टू इन्फिनिटी हो जाएंगी। अंदर मैंने क्या किया है, जेड स्क्वायर कर दिया है और एन को बाहर निकाल दिया है,
वो मैंने क्यों किया, क्योंकि बेटा जो नेक्स्ट हम सब्सटीट्यूशन करेंगे वो हम जेड स्केयर की करेंगे, तो इस वजह से मैंने जेड स्केयर कर दिया, एन जो है वो बाहर निकाल दिया है ब्रैकेट से, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, टू को अंदर लिख लें या बाहर लिख लें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जेड स्केयर इज़ इक्वल टू क्या है, टी है, ये नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन है हमारी, जेड क्या है हमारे पास टी का हाफ हो जाएगा, और डी जेड क्या हो जाएगा, हाफ टी के ऊपर माइनस वन बाय टू डी टी। तो ये हमारे पास 2 सिग्मा 2 एन बाय 2 पाई अंडर रूट है, 0 टू इन्फिनिटी है, तो ये t की पावर n हो जाएगी और e की पावर क्या हो जाएगी, माइनस टी बाई 2, और डी जेड क्या है वो 1 बाई 2 टी की माइनस 1 बाई 2 पावर है और डी टी। ठीक है जी, तो ये t को हम इकट्ठा कर देंगे अंदर, 2 2 से कैंसिल आउट करने के बाद t को हम इकट्ठा कर देंगे, इधर n है उधर माइनस 1 बाई 2 है, तो इकट्ठा होकर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 2 e की पावर माइनस टी बाई 2 और डी टी, इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल देंगे। अब सेकंड क्या होगा वो आप लोगों को पता है, वो गैमा, हम गैमा के साथ कंपेयर करना है, तो गैमा हमारे पास फंक्शन क्या होता है सब लोगों को, आप लोगों को पता है, ए गैमा बी की पावर ए इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स के ऊपर ए माइनस 1 ई के माइनस एक्स बाय बी डी एक्स है। अब बाय कंपेयर करेंगे तो ए माइनस 1 क्या है वो एन माइनस 1 बाय 2 के बराबर है, तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा वो एन प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, और बी आपका वही सेम 2 है, तो हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, फर्स्ट बिकम्स म्यू 2 एन क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 एन डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ए गैमा बी ए। ए गैमा का मतलब क्या है कि ए क्या है हमारे पास एन प्लस 1 बाय 2 गैमा, और 2 की पावर क्या आ जाएगी वही जो हमारे पास ए है, दैट इज़ एन प्लस 1 बाय 2। अब मैंने क्या किया है, 2 गैमा 2 एन को अलग कर दिया, और 2 के ऊपर जो 1 बाय 2 है मैंने उसको अलग कर दिया, 2 अंडर रूट कर दिया है, और नीचे इसी तरह 2 अंडर रूट को अलग कर दिया, पाई अंडर रूट को अलग कर दिया, ताकि 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो सके। फिर हमारे पास इकट्ठा कर देंगे तो 2 की पावर एन शुरू में आ गया, और सिग्मा 2 एन डिवाइड बाय पाई अंडर रूट। अब ये एन प्लस 1 बाय 2 गैमा जो है उसको मैंने क्या लिखा है, एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। साइड पे देखें नोट, नोट में मैंने क्या लिखा है कि एन गैमा जो है वो बराबर होता है एन माइनस 1 के फैक्टोरियल के बराबर। बेटा ये एक और हम मेरे पास एक्सप्रेशन है, इसको भी नोट कर लें कि एन गैमा जो है वो बराबर होता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल के भी बराबर होता है। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे एन क्या है वो एन प्लस 1 बाय 2 है, तो अब जब माइनस 1 करेंगे तो ये एन माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है जी, तो एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है। अब फैक्टोरियल क्या होता है कि एक माइनस, अब जब फैक्टोरियल हटाते हैं और इसको खोलते हैं हम, तो हम एक माइनस करते जाते हैं, पहले माइनस 1 करते हैं फिर माइनस 2 करते हैं, आपको पता है ना, तो पहले एन माइनस 1 बाय 2 लिखें, फिर एन माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 करेंगे तो एन माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा, समझ आ रही है, फिर एन माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 करेंगे तो n माइनस 5 बाई 2 हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन सो 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 और इंटू 1 बाई 2 का गैमा, यहाँ तक ये चीज़ ख़त्म होती है। सर्कल में मैंने इसलिए लिखा है कि ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल जो है वो 1 बाई 2 पे जाके ख़त्म होता है, और 1 बाई 2 गैमा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर ये फैक्टोरियल एंड होता है। ठीक है जी, तो ये 1 बाय 2 गैमा जो है वो पाई अंडर रूट के बराबर है, मैंने पाई अंडर रूट नीचे लिख दिया और वो वाला पाई अंडर रूट नीचे वाले पाई अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, और अंदर मैंने 2 जो है वो सबके नीचे कर दिया। सबके नीचे का मतलब क्या है कि n के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 ऐसे हो गया। ठीक है, आगे वही सेम है, तो नीचे मैंने 2 का सबका देखें वो पाई अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो अब 2 कितनी टाइम्स है, 2 जो है वो n टाइम्स है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोग को, ये n टाइम्स है क्योंकि 1 बाय 2 वाला जो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये n टाइम्स नीचे 2 आ रहा है, तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, नीचे सबसे एंड वाला लाइन बता रही हूँ आप लोगों को, 2 के ऊपर n आ जाएगा, 2 के ऊपर क्योंकि 2 n टाइम्स है ना, तो 2 की पावर n हो जाएगा और वो बाहर वाले 2 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, सिग्मा की पावर n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 और 5 3 1। ये देखें जी मैंने लिखा हुआ, ये हमारे पास ये रह जाएगा। तो बेटा यही मैंने स्टेरिक डाल के लिख दिया है कि यही हमारा इवन ऑर्डर मोमेंट्स का एक्सप्रेशन है। आप लोग अपनी बुक्स खोलें,
देखें कि ये यहाँ तक जो है वो सॉल्व किया, और इसे आगे भी वैसे एक्सप्रेशन है लेकिन हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हम यहाँ तक अपने इवन ऑर्डर मोमेंट्स को जो है वो लिख लें, बस इतना ही बहुत है। अब क्योंकि हम इवन ऑर्डर्स कर रहे हैं तो हमें म्यू टू और म्यू फोर भी फाइंड आउट करने हैं, तो हम एन को वन पुट करेंगे तो ये म्यू टू हो जाएगा। एन को वन पुट करके देखें, देखें ज़रा, सिग्मा के ऊपर टू की टू इंटू वन आएगा तो वो टू हो जाएगा, ठीक है जी। और जहाँ जहाँ एन है, अब ये ब्रैकेट के अंदर बेटे जो एक्सप्रेशन है उसमें आपने सिर्फ एक स्टेप तक जाना है, क्योंकि हम एन किसके बराबर पुट करें, वन के बराबर पुट करें, तो आपने टू एन माइनस वन है ना, बस उधर तक की पुटिंग करनी है, ठीक है। तो टू इंटू वन माइनस वन दैट इज़ वन, तो सिग्मा स्केयर, हमारे पास म्यू टू क्या है, सिग्मा स्केयर। अब एन इज इक्वल टू टू पुट करें तो ये म्यू फोर आ जाएगा, और इस तरह सिग्मा के ऊपर भी टू का टू इंटू टू जो है वो सिग्मा फोर हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर हमने इसको दो स्टेप्स तक जाना है, जब n 2 होता है तो हमने दो स्टेप्स तक जाना है, पीछे जब n 1 था तो हमने सिर्फ एक स्टेप को फॉलो किया था, एक स्टेप को हमने सॉल्व किया था। अब ये 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3, बस यहीं तक ही आपने इसको लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 3 और 4 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 3 सिग्मा 4। बेटे आपको पता है सेकेंड मोमेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्केयर होता है, और फोर्थ मोमेंट जो होता है वो 3 सिग्मा 4 होता है, ठीक है जी। तो ऑड ऑर्डर मोमेंट्स बेटे आप लोगों को पता चल गया, वो म्यू 1 और म्यू 3 जो है वो क्या है, वो 0 हैं, और ये इवन ऑर्डर मोमेंट्स हैं दैट इज़ म्यू 2 और म्यू 4, बस इतना ही हमें चाहिए, हमें म्यू 6 नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा चार मोमेंट्स होते हैं, हमें बस चार तक ही फाइंड आउट करने हैं, आगे का कोई हमारा लेना देना नहीं है, बस इतने इतने ही हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ बीटा 1 इज इक्वल टू क्या होता है, आप सब लोगों को पता है, म्यू 3 का स्केयर, तो म्यू 3 तो 0 है, तो जब स्केयर 0 का स्केयर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बीटा 1 आपका क्या है, 0 है, और बीटा 2 क्या है, वो म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्केयर है, तो म्यू 4 क्या है, 3 सिग्मा 4 डिवाइडेड बाय ये सिग्मा स्केयर का स्केयर करोगे तो सिग्मा 4 आ जाएगा, तो सिग्मा 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा 2 क्या हो गया, वो 3 हो गया। आप लोगों को याद है कि जब हमने मोमेंट रेशियोज पढ़ी थी, B1 B2 करते थे और हम कहते थे सिमेट्रिक क्या, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बीटा 1 जो जिसका B1 0 होता था और B2 3 के बराबर होता था, वो हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। तो नॉर्मल की पहचान यही है कि B1 उसका 0 होता है और B2 क्या होता है, वो 3 के बराबर होता है। तो ये आज हमारा इतना ही कि ये ऑड ऑर्डर मोमेंट्स और इवन ऑर्डर मोमेंट्स, इसको अच्छे से तैयार कर लें, नोट करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, और इसको ये इम्पॉर्टेंट बेटा ये प्रूफ्स हैं, तो आप इसको साथ साथ जो है वो सॉल्व करें, समझें साथ साथ, जो समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें, ठीक है जी। ओके जी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हमारा एक शायद एक प्रूफ रह गया, हम वो इंशाल्लाह करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।